क्योंकि पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो सारे काम धंधे बंद है, बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं और पैसे की ज़रूरत तो सबको रहती ही है। हालांकि तो बहुत सारे लोग ऐसे में ट्राई कर रहे हैं फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाके पैसा कमाने की, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सुना है ना फ्रीलांसिंग से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं डॉलर्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना ईजी है यहाँ से पैसा कमाना और इसके पीछे सच क्या है, आप पैसा छाप सकते हैं और आप यहाँ पर छपा भी सकते हैं। जो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी फ्रीलांसिंग पे जाके ज्वाइन किया यार, मैंने भी सोचा अभी काम नहीं चल रहा तो कुछ पैसे ही छापते हैं यहाँ से डॉलर्स, तो मैं जाके यहाँ पे लॉगिन किया। मैं आपको बताता हूँ कि इस यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली दोस्तों मैंने यहाँ पे जाकर लॉगिन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर कैसे होता है फ्रीलांसर पे आप जाएंगे अपना प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बनाने के बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, या बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर पोस्ट होते रहते हैं, जिस भी जो भी आपको नॉलेज है डेटा एंट्री या जो भी आपके पास नॉलेज है उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्योंकि अब काम मेरे पास सेलेक्ट कोई कर और सकते हैं। स्किल थी नहीं तो मैंने सोचा चलो डेटा एंट्री करते हैं, सबसे ईजी काम यही रहता है, एक्सेल वर्ड ये सारी चीज़ें तो सबको आती हैं ज़्यादा करके, तो मैंने एक्सेल वहाँ पर डेटा एंट्री का काम सेलेक्ट किया, उसके बाद अपनी प्रोफाइल बना ली। उसके बाद दोस्तों जब आप प्रोफाइल बना लेंगे साइन इन कर लेंगे तो यहाँ पर आएंगे कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। ये जो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने सेलेक्ट किया है फील्ड जैसे राइटिंग का डेटा एंट्री का, तो आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट दिखेंगी, बहुत सारी दिखेगी जॉब्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं उसमें प्लेस अ बिड जो ऑप्शन है ना दोस्तों यहाँ पर देखिए पढ़ सकते हैं सिंपली रीटाइपिंग प्रोजेक्ट, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट पे मैंने प्लेस बिड करके जो ऑप्शन होता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी नॉलेज आएगी, तो आपको कितना आवरली रेट कितना चाहिए, ये सब डॉलर्स में ही है, पैसा नहीं है ये मत समझिएगा, USD पर आवर्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीकली लिमिट है कि आपको 10 आवर्स वीकली लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखिए फिल करके, ये सारी चीज़ें फिल करके प्लेस अ बिड पे आपको क्लिक करना होगा। क्योंकि मैं भी नया था, मेरे को भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, यहाँ पर अपना प्रपोजल डाल सकते हैं कि देखिए मैं इतना इतने घंटे से इतने घंटे काम करूँगा, आपको टाइम पे काम करके दे दूँगा, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ यहाँ पर कुछ भी। उसके बाद दोस्तों आगे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, मैंने ऐसे ही डाला, आप यहाँ पे जाएंगे तो अच्छे से आप प्रपोजल डालिए अपना कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, इतने काम मैं कर चुका हूँ, जो कुछ भी मतलब एक बार फेंक दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप अपने रिलेवेंट स्किल्स कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए, एक्सपीरियंस कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए जिस काम के लिए आप प्रपोजल के, जैसे आप रीटाइपिंग के लिए तो आप टाइपिंग स्पीड फास्ट है, एक्सेल वर्ड ये सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, और फास्ट आपकी टाइपिंग स्पीड है यही सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, टाइम पर वर्क करके देते हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मैंसन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया आई एम फास्ट इन टाइपिंग, क्योंकि ये राइटिंग रीटाइप का जॉब है तो और आपको क्या चाहिए, लेकिन और बहुत सारी स्किल आप लिखिए यहाँ पर क्योंकि तभी काम मिलेगा बहुत सारे लोग। तो अपडेट द प्रपोजल यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, इस पर आपने क्लिक कर दिया तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा कि आपने ये देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो पहले से ही बिड्स लगा चुके हैं, यहाँ पर पहले से ही इन लोगों ने प्रपोजल डाला है तो आपने भी यहाँ पर प्रपोजल डाल दिया है। अब दोस्तों जब आप प्रपोजल डाल देंगे तो जिस डाला है वो आपको बाद में अगर वो अच्छा लगे क्योंकि उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन है तो आपको रिप्लाई करेगा, तो मैंने ऐसे ही डाला था तो मेरे को भी रिप्लाई आया, यहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट पर बिड डाली थी तो यहाँ पर मेरे को मैसेज आया जिसने भी प्रोजेक्ट डाला था, काइंडली मेल अस टू गेट प्रोजेक्ट डिटेल्स, तो मैंने मेल कर दिया उसको, यहाँ पर ईमेल आई डिटेल दी थी उसने, फिर उसने ईमेल पे मुझे बहुत प्रोफेशनली भेजा कि क्या काम एक्चुअल में मेरे को करना था, उसने एक PDF भेजी, उसके बाद एक वर्ड शीट की ऐसे करके आपको टाइप करके हमको देना है ये वर्क, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसने दो फोल्डर भेजे थे कि ये था सैम्पल पेज था ऐसा टाइप करना था और ये है डॉक पेज ये वाला कि इससे देख देख के आपको टाइप करना है, तो मैंने ये देखा। उसके बाद यहाँ पर उसने क्या ऑप्शन दिया था कि आपको 1600 रुपये एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और जैसे आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे तो पैसा रिफंड हो जाएगा। अब दोस्तों ये मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी क्योंकि हम तो यहाँ पर पैसा कमाने हैं, सबसे पहले अगर आपसे कोई पैसा मांगे तो कैसे देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें पैसा दे भी देते हैं शायद, मुझे नहीं पता है। तो आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए दोस्तों बहुत केयरफुली आप कहीं से पैसा भी कमाने जाते हैं अगर पहली बार आप जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं फ्रीलांसर पहली बार, उनको ज़्यादा डिटेल भी नहीं कैसे यहाँ पे काम किया जाता है, तो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर आप कोई फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सपर्ट रहते हैं बहुत सारे लोग जो काम करते रहते हैं उनकी फ़ाइल देखिए,
आप किसी भी अगर फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें अपना पोर्टफोलियो डालिए, वो जो काम, जैसे मान लो डेटा एंट्री का ही, तो आपने एक्सेल में बहुत सारे डेटा एंट्री के अलग अलग जॉब होते हैं, जैसे कोई डेटा मैनेजमेंट की सीट हो गई, आपने अच्छे से बनाया है, वो सारी चीज़ें आप डालिए। कोई टाइपिंग भी आपने किया हो तो वो सारी चीज़ें आप डालिए, उसके बाद अपने बारे में सारी चीज़ें लिखिए, अपना फोटो लगाइए, अच्छे से कीजिए प्रोफाइल, तो आप थोड़ा प्रोफेशनल लगते हैं। उसके बाद दोस्तों जब कोई भी आप यहाँ पर देखिए सर्च करेंगे बिट, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली होती है कि जिसने ये बिट पोस्ट की है उसने कभी यहाँ पर काम किया है कि नहीं, या पहले पहले ही वो ज्वाइन कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट द एम्प्लॉयर, मतलब जिसने ये बिट डाली है, नो रिव्यू, वेरीफाइड, प्रीपेड, कुछ भी नहीं है, तो मतलब इस पर आप फेक ही समझ सकते हैं। ये भी अगर आएगा आंसर तो आपसे पैसे ही मांगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों बहुत कम ही बात करूँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वीडियो कोई भी लंबी हो। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा एक और है fiverr.com, वहाँ पर जाकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। वहाँ पे कैसा है कि आप जाके वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, बहुत सारे जैसे वेबसाइट बिल्डिंग होंगे, लोगो डिजाइनिंग, और उसके बाद डेटा एंट्री, वो सारी चीज़ें हैं, तो आप बनाइए अच्छे से, वहाँ पर भी जाके आप पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर कैसा है, जिसको भी हायर करना होता है डायरेक्ट जाता है, आपकी प्रोफाइल देखता है, उसके बाद डायरेक्ट आपको कॉल करके सारी बातें करता है। यहाँ पे कैसा है कि आपके पास बीड मिलेंगी, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, आप जब सर्च करने आएंगे उस प्रोजेक्ट पे जाके आपको खुद जाके अपनी क्वालिटीज लिखिए, सारी चीज़ें हैंडल कीजिए, तो हो सकता है आपको रिप्लाई मिले, तो आप यहाँ से काम पा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ काम करता है। और लेकिन दोस्तों आप एक बार ज़रूर सावधान रहिएगा, कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट पे आप बीड डालते हैं, आपको मिलता है रिप्लाई, तो पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसके बारे में मैं श्योर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए। तो अगर आपने, अगर आप में से किसी के पास ये वीडियो पहुंचता है जिसने काम किया है फाइबर पर, फ्रीलांसर पे, उसका कैसा एक्सपीरियंस है और किसी को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताया यार कैसे ये काम करता है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।